एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का जो ये व्लॉग है वो रिक्वेस्टेड व्लॉग है, क्योंकि मुझे यूट्यूब में इतना सारा रिक्वेस्ट आ रहा था, मेरे कमेंट में इतना मुझे कमेंट आ रहा था कि दी, आप जो स्किन डेली स्किन केयर करते हो उसमें क्या प्रोडक्ट यूज करते हो, हमें प्लीज दिखाइएगा, हमें अच्छे से डिटेल्स में बताइएगा। तो मैं आज वही बताने वाली हूँ। तो क्या क्या यूज करती हूँ, क्या क्या नहीं, ये सब मैं दिखाने वाली हूँ आप सबको। तो आज ये रिक्वेस्टेड ब्लॉग है, तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस ये रिक्वेस्टेड ब्लॉग है। जिन लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, उन लोगों ने मुझसे कुछ पूछा है, कुछ जानने का वो उन लोगों को जानने के लिए कोशिश करे, तो मैंने सोचा मैं आप सबको दिखा दूँ। जो भी है, जो भी मैं यूज करती हूँ, वो मैं सारा आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या लगाते हैं, सबसे मॉर्निंग से, जब मैं मॉर्निंग से नाइट तक क्या क्या यूज करती हूँ, वो मैं सारा आप सबको आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, मेरे ब्लॉग एंड तक देखेगा तभी पता चलेगा, नहीं तो आप सबको नहीं पता चलेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं, आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जो मैं सुबह उठ के फेस वॉश करती हूँ, तो आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप फेस वॉश क्या यूज करती हो, तो चलिए आज तो दिखाई देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ बायोटिका। देखिए, बायोटिका फ्रूट वाला है और ये ब्राइटनिंग करता है फेस को, उसके बाद हाइड्रेट करके रखता है और ये ऑल स्किन टाइप है। तो ये बायोटिका है और मैंने फ्रंट कैमरा किया, फ्रंट में मतलब वीडियो बना रही हूँ ना, तो आप सबको उल्टा दिख रहा होगा, तो मैं कैसे दिखाऊ। बायोटिका है तो ये बहुत ही अच्छा है, ये फ्रूट वाला है, तो मतलब गर्मियों में ना अच्छा सा हाइड्रेट करके रखेगा, उसके बाद ब्राइटनिंग करेगा फेस को, तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी यूज कर सकते हो। और दूसरा मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, वो है मामाअर्थ का उबटन वाला, वो तो मैं यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ, इसीलिए घर पे है वो, तो मैं आप सबको बस यही दिखा रही हूँ कि ये एक लगाती हूँ बायोटिका, उसके बाद फिर लगाती हूँ मामाअर्थ का जो उबटन वाला है। दोनों ही आप लगा सकते हो, ऑल स्किन टाइप है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी प्लीज एक बार यूज करिएगा। तो इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 65 ही है, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा स्किन में इतना ज्यादा मतलब कॉस्टली प्राइस का कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। तो ये बायोटिका एक बार यूज कर लेना। तो फेस वॉश के बाद आता है टोनर। तो टोनर में गुड वाइब्स का जो नीम और तुलसी का है, मैंने पहले भी दिखाया था ये गुड वाइब का, तो ये मैं लगाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब मैं स्प्रे करती हूँ ना, तो बहुत चिपचिपा नहीं होता और स्किन जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग भी यूज़ करना। और एक मैं लगाती हूँ मामाअर्थ का जो ग्रीन टी वाला होता है ना वो, लेकिन वो अभी ख़त्म हो गया है, तो अभी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, आएगा तो मैं दिखा दूंगी। तो बस ये टोनर और मामाअर्थ का जो ग्रीन टी वाला है वो, ये दो यूज करती हूँ। तो टोनर और फेस वॉश तो हो गया, उसके बाद आता है सीरम। तो इस सीरम के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत ही पूछा था कि दी, आप सीरम कौन सा यूज करते हो और नाइट सीरम कौन सा यूज करते हो, तो दोनों ही बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं जो डे सीरम यूज करती हूँ वो दिखा देती हूँ, ये है प्लाम का। तो ये प्लाम का है और ये ना जो स्किन है उसको हाइड्रेट करके रखेगा, और मतलब हाइड्रेट बूस्ट करेगा और फ्रेशनेस फील कराएगा और ब्राइटनिंग और ग्लोइंग भी देगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि इसका प्राइस है 450 और बस दो ड्रॉप ही लगाना है, ज़्यादा नहीं, बहुत दिन तक चल जाएगा। तो यही एक सीरम है जो मैं लगाती हूँ, और बस यही प्लाम का ही मैं लगाती हूँ, यूज करती हूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं। तो यही एक प्लाम का है, तो उल्टा हो गया, तभी भी आप सबको पता चलेगा मैं बोल ही रही हूँ प्लाम का है। तो बस यही सीरम है, नाइट वाला भी दिखाऊंगी। तो ये डे सीरम है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो, और ये स्किन में लगाते ही ना एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन, और चिपचिपा मतलब चिपचिपा नहीं होता, जैसे होता है ना कुछ लगाने के बाद बस ऐसा लगता है कि गाल इतना भारी हो गया है कुछ जैसा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर तो मैं आप सबको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, वो भी बायोटिक का ही है।
सनस्लाइड वाला है और इसमें है 40+ SPF उसके बाद UVB के साथ, तो ये बहुत अच्छा है गाइस, आप लोग भी लगा सकते हो। जब घर में रहते हो ना तब इसके साथ सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 40+ सन एक्सपर्ट है, तो इसीलिए। और जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं सन एक्सपर्ट इसके साथ कभी नहीं, मतलब सनस्क्रीन वगैरह ये कभी नहीं लगाती। जब मैं बाहर जाती हूँ तब मैं यूज करती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना, इसीलिए तो यही लगाती हूँ। तो फिर इसके साथ जब मैं बाहर जाती हूँ तब क्या सनस्क्रीन यूज करती हूँ, वो भी आप सबको मन में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला अभी जब बाहर जाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ जाती हूँ, तब मैं लगाती हूँ एरोमा मैजिका, जो ये कैरोट सनस्क्रीन लोशन है वो लगाती हूँ। देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया ना, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लेना। तो एरोमा मैजिका ये सनस्क्रीन है जो कैरोट वाला, ये बहुत अच्छा है और मुझे ये बहुत पसंद है। और ये लगाते टाइम ना 20 मिनट्स पहले लगाना चाहिए, जब आप लोग बाहर जाते हो ना तो 20 मिनट्स पहले लगा लेना। उसके बाद जब आपके चेहरे पे एक्ने वगैरह होता है, जब ये काले काले जैसे धब्बे धब्बे, ऐसे धब्बे धब्बे नहीं होते वो ना, ये लगाने से सब बोलते हैं जितने भी लोग हैं, लेकिन मेरे पास तो वो धब्बे धब्बे नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन 100 में 90% लोग बोलते हैं कि वो ठीक होता है। तो एक बार आप ट्राई करके देखना, और ये 125 का है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट से आप लोगे ना तो कॉम्बो में आता है दो, और उसका प्राइस है 220, तो एक का है 125, तो थोड़ा सा सस्ता तो पड़ ही जाता है। तो आप लोग ये परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से परचेस करना, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। तो ये है एरोमा मैजिक का कैरोट सनस्क्रीन लोशन, और ये आप हाथ पैर जितना मतलब सारा शरीर में भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बहुत अच्छा है। और आप अगर स्क्रीन शॉट मतलब लेकर अगर फ्लिपकार्ट वगैरह या ऑनलाइन में सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो हो गया डे का। और जो कॉम्पैक्ट वगैरह यूज करती हूँ वो मैं आप सबको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं जो कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ वो है सन एक्सपर्ट लैक्मी का, सन एक्सपर्ट जो लेकमी है उसका सन एक्सपर्ट, इसमें है 40+ UVB के साथ, और ये नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ लेकमी का। उसके बाद फिर यूज करती हूँ दूसरा लेकमी का ही, इसमें कोई सन प्रोटेक्शन नहीं है, ये लूज पाउडर है, रोज पाउडर लूज पाउडर है। तो इसमें सनस्क्रीन भी है, तो इसमें मुझे बहुत पसंद है ये लेकमी का लूज पाउडर। एक तो लूज पाउडर यूज करती हूँ लेकमी का, और एक है लेकमी का जो सन एक्सपर्ट वाला होता है, ये दो यूज करती हूँ। तो जो दिन का है वो तो हो गया, और जब मैं कभी कभी दिन में ही कभी कभी पार्टी वगैरह हो तो लेकमी का ही जो ये फाउंडेशन है इसमें भी SPF 8 है, ये मैं यूज करती हूँ। और इसका मेरा जो स्किन टोन है वो है 01, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये लगाने से ऐसा लगता है ना, ये यूज करने से कि मैंने फाउंडेशन यूज किया ही नहीं है, ऐसा लगता है, मतलब नेचुरल जो लुक है वो देता है। तो मुझे ये बहुत पसंद है, ज्यादा हैवी वो पसंद नहीं है, तो मैं यही यूज करती हूँ। उसके बाद जो नाइट रूटीन है, नाइट रूटीन में क्या करती हूँ वो भी तो मुझे आप सबको बताना पड़ेगा। तो नाइट रूटीन में कुछ ऐसा खास नहीं, बस मैं एक ही सीरम यूज करती हूँ और कुछ नहीं, बस रात में मुंह धोया और सीरम यूज किया और सो गए। तो वो सीरम है पिलग्रिम का सीरम है, ये है ऑयल कंट्रोलर सीरम। इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा होता है कि ये लगाकर सोने से जब सुबह उठते हैं ना, तो जब फेस में आप ऐसे हाथ से लगाते हो ना, तो टच करते हो ना, तब ऐसा लगता है कि ड्राई ड्राई हो गया है। जो ऑयली फेस है ना उनके लिए बोलियो, जो ड्राई फेस है उनके लिए नहीं बोलियो, ऑयली जिसका ऑयली स्किन है उसके लिए बोलियो। तो ये है पिलग्रिम का ऑयल कंट्रोलर सीरम। देखिए अगर आप ऑनलाइन में भी, गूगल में भी, या आप फ्लिपकार्ट में भी सर्च करोगे ना पिलग्रिम ऑयल कंट्रोलर सीरम या पिलग्रिम सीरम भी आप लोग अगर सर्च करोगे तो आप लोगों को ये दिख जाएगा। तो बस यही एक सीरम है और यही जो प्रोडक्ट है मैं यूज करती हूँ, और ज़्यादा कुछ कॉस्टली भी यूज नहीं करती, ज़्यादा प्राइस का भी मैं यूज नहीं करती, बस ये दो
सीरम है जो में थोड़ा सा कॉस्टली, थोड़ा सा इसका प्राइस है, लेकिन ये जो पील क्रीम का मतलब सीरम है ना, इसको मुझे इसका ऐसे एक्चुअल प्राइस है 495, लेकिन मुझे फ्लिपकार्ट में मिला था 349 में, तो मुझे बहुत ही सस्ता मिला था, तो मैंने तभी लिया था। अभी बहुत दिन हो गया है, तो ये प्लम का ये दो। मैं तो जब भी सीरम वगैरह ये सब परचेज करती हूँ तो मैं फ्लिपकार्ट से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है इसीलिए। तो बस यही प्रोडक्ट यूज करती हूँ। आप सबने देखा सनस्क्रीन, उसके फेस वॉश, टोनर, सनस्क्रीन, लोशन, मॉइस्चराइजर, नाइट सीरम, डे सीरम, सब कुछ दिखा दिया। बस यही कुछ यूज करती हूँ और कुछ नहीं। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग प्लीज ले सकते हो, बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन ऑल स्किन टाइप का ही मैं सब कुछ यूज करती हूँ, कोई ऐसा नहीं। बस ये दो सीरम है जो ऑयली फेस के लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऑयली फेस है इसीलिए। तो चलिए यही दिखाना था आप सबको। बस आप सबका रिक्वेस्ट मैंने आज पूरा कर दिया है, और कब से मैं सोच रही थी आप सबको मैं ये व्लॉग दू व्लॉग दू, लेकिन ससुराल में नहीं हो पा रहा था, लेकिन घर में आके सोचा कि सब कुछ मैं आप सबको दे दू। और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं फ्रंट कैमरा में वीडियो बना रही हूँ ना, इसीलिए आप लोगों का नाम जो है उल्टा दिख रहा है, क्योंकि मुझे ना ऐसे मुंह देख देख कर बोलने की आदत हो गई ना, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं बैक कैमरा से भी करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ समझ में ना आए, अगर किसी को नाम अगर अच्छे से जानना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप सबको कमेंट में टाइपिंग करके दे दूंगी। सो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय। आप सबको और क्या व्लॉग चाहिए मुझे प्लीज कमेंट करके बताएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। बाय।